हरी सब्जी के अवशेष और चोकर से नाश्ता करेंगे निराश्रित गौवंश। आदर्श नगर पंचायत मोहली के ईओ दिनेश कुमार ने शुरू की एक बेहतर पहल। यूपी के सीतापुर में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना साकार हो रहा है। आवारा पशुओं के लिए गौशाला और उनके खाने पीने की बेहतर व्यवस्था मोहली आदर्श नगर पंचायत में दिख रही है। निराश्रित पशुओं को हरी सब्जी एवं घर के आटे से निकली चोकर का स्वाद मिले, इसके लिए यहां के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार ने सभी सफाई कर्मियों को निर्देशित किया है कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के दौरान दरवाजे पे दस्तक देकर वहां से हरी सब्जी के अवशेष और आटे का चोकर मांगकर उन्हें एकत्र करेंगे, जिसके बाद एकत्र किए गए सामान को गौशाला में जाकर गौ वंशियों को खाने के लिए दे दिया जाएगा। मेरे समस्त नगर पंचायत के जितने भी सम्मानित नागरिक हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि ये व्यवस्था जो है गौवंशों के लिए है। इसमें आपके घर में जो बचा हुआ खाना, चोकर, कटी हुई सब्जियों के छिक्कल जो भी हैं, इस तरह का जो भी प्रोडक्ट बचते हैं आप उनको आप डस्टबिन में ना फेंकें, उनको आप सुरक्षित रखें। मेरा कर्मचारी जाएगा उन चीज़ों को कलेक्ट करेगा और वही जो है हम गौशाला भिजवाते हैं गौओं के लिए प्रयोग करेंगे। इससे हमारे गौवंश जो है थोड़ा अच्छा भोजन पाएंगे और उनका थोड़ा खरीद होता बेहतर होगा। इसमें मैं सभी से अपील करूंगा कि इसमें सहयोग करने की कृपा करें। धन्यवाद होगा सभी नगर पंचायत व्यक्तियों का।